हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है और उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है? आपने डे टू डे लाइफ में कुछ वर्ड सुने होंगे जैसे चांस और पॉसिबिलिटी। चांस और पॉसिबिलिटी, ठीक है। हम कभी कभी इस तरह की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जहाँ पे चांस या पॉसिबिलिटी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ आज बारिश हो सकती है, ठीक है, यानी कि होने के चांस है। मैं श्योर नहीं बोल सकता, होने की पॉसिबिलिटी, आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी कि मैं श्योर नहीं हूँ। जहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, पॉसिबिलिटी है या चांस है, ठीक है, वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ इंडिया क्रिकेट मैच जीत सकती है, ठीक, आप श्योर नहीं बोल सकते। इंडिया क्रिकेट मैच जीत भी सकती है और जीत भी नहीं सकती, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कॉइन टॉस किया, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं हेड आएगा टेल आएगा, आप श्योर नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे हेड या टेल दोनों में से कोई आ सकता है, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब जब इस प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि किसी भी चीज़ के होने के कितने परसेंट चांस हैं, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो वो फार्मूला क्या है, मैंने साइड में लिख रखे हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला क्या है, मैं रीड कर देता हूँ। हाँ जी, पी ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए, इवेंट क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ बता देता हूँ मैं। इवेंट का होता है यानी कि जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इसको कैसे रीड करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसको रीड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? इसको रीड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए, यानी कि इवेंट ए में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, ठीक है। ये होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दो चीज़ें यूज हुई, एक तो इवेंट और एक सैम्पल स्पेस, ठीक है। आइए पहले यही देखते हैं इवेंट और सैम्पल स्पेस क्या होता है, ठीक है दोस्तों। मैं इसको मिटा देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस, ठीक है दोस्तों, सैम्पल स्पेस क्या होता है, इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, आपने कॉइन को टॉस किया, तो उसके ऊपर क्या क्या आ सकता है, यानी कि उसके ऊपर क्या क्या आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, उसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से, ठीक है दोस्तों। और इसको, ये एक सेट है ये, तो इसको सेट की फॉर्म में लिखा जाता है। हाँ जी, एक कॉइन टॉस किया तो सैम्पल स्पेस क्या क्या बनेगा मेरे, या तो हेड या टेल, एक कॉइन टॉस किया यही आ सकता है। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, जब दो कॉइन टॉस किए तो सैम्पल स्पेस क्या क्या बन सकता है? सैम्पल स्पेस होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या चीज़ें मेरे पास आ सकती हैं। जब दो कॉइन टॉस किए, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों कॉइन के ऊपर हेड आ जाए, ठीक है दोस्तों, या पहले कॉइन के ऊपर हेड दूसरे के ऊपर टेल, ठीक है, या पहले की टेल दूसरे के ऊपर हेड, या दोनों के ऊपर टेल आ जाए, ठीक है दोस्तों। ये क्या, अगर ये डायरेक्ट आ जाए आपसे पूछिए ये क्या चीज़ है, तो ये क्या, दो कॉइन का सैम्पल स्पेस है। ये दो कॉइन में टॉस किए उसका सैम्पल स्पेस है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूँ तीन कॉइन टॉस किए उसका सैम्पल स्पेस लिखो, तो क्या आ सकता है? हाँ जी, तीनों के ऊपर हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, या दो पहले दो के ऊपर हेड आ जाए तीसरे के ऊपर टेल आ जाए, या पहले के ऊपर हेड दूसरे के ऊपर टेल इसके ऊपर हेड आ जाए, ठीक है, या टेल हेड हेड आ जाए, ठीक है दोस्तों, या ऐसा हो सकता है पहले के ऊपर हेड दोनों के ऊपर टेल आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए, या टेल टेल हेड आ जाए, और या टेल 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 आ जाए, ठीक है दोस्तों। जब तीन कॉइन टॉस किए जाते हैं तो इतने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जो यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो आप क्या बोलोगे, दो हैं, सिंपल काउंट कर सकता हूँ। यानी कि जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बनते हैं, दो, ठीक है। अब यहाँ से पूछूं ये कितने कॉइन का सैंपल स्पेस था, दो कॉइन का, तो यहाँ पे कितने बने, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। जब कॉइन तीन थे तो यहाँ पे कितने बने, 8 बने, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं मैंने पांच कॉइन टॉस किए, जैसे तीन कॉइन टॉस किए तो ये सैंपल स्पेस बना, पांच कॉइन टॉस किए, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे, जैसे यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे सैंपल स्पेस में, 8 थे,
तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए एक फार्मूला होता है। हाँ जी, एक कॉइन होता है, कॉइन में कितनी साइड होती हैं, दो साइड होती है, तो हेड होता है या टेल होता है, दो साइड होती हैं, ठीक है, दो साइड होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने कॉइन टॉस किए गए थे, एक कॉइन टॉस किया गया था, तो इसका फार्मूला होता है 2^n, ठीक है। सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट है फाउंड कर, सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट है फाउंड आउट करने का, ठीक है। एन की जगह पे क्या है, एन की जगह पे आता है कितने कॉइन है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे कितने कॉइन है, एक ही कॉइन टॉस किया था, तो एन की वैल्यू क्या जाएगी, 1। 2^1 क्या है, 2। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 हैं। हाँ जी, 2 ही है ना इसके अंदर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें कितने है, तो कॉइन है, दो ही साइड होती हैं, फार्मूला 2^n ही रहेगा, बस एन की जगह पे क्या जाएगा, कितने कॉइन थे यहाँ, कितने कॉइन थे, 2 कॉइन थे, 2^2 क्या होते हैं, 4। हाँ जी, 4 आए इसमें, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, है तो कोई नहीं, दो साइड है, 2^n ही रहेगा फार्मूला, बस एन की जगह पे कितने कॉइन थे यहाँ पे, 3, तो एन की जगह 3 × 2^3, 8, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपसे पूछूँ, मान लो मैंने 5 कॉइन टॉस किए, तो सैम्पल स्पेस बताओ क्या है, तो सिंपली करना क्या है, 5 कॉइन, 5 है, तो 2^5 क्या होता है, 2, 4, 8, 16, 32, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने बनेंगे, 32 बनेंगे। आइए कुछ और सैम्पल स्पेस देखते हैं जो क्वेश्चंस में यूज होते हैं। जैसे मैंने एक डाई उछाड़ी, हाँ जी, डाई क्या होती है, लूडो में जो डाई होती है उसकी कितने साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने डाई उछाड़ी तो क्या क्या आ सकता है, हाँ जी, उसका सैम्पल स्पेस लिखो, तो सैम्पल स्पेस लिखना है आपको उसका, तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, क्योंकि डाई के साइडों पर ये लिखा होता है, ये आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो यही सैम्पल स्पेस है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, उसको छाड़ने पर क्या क्या आ सकता है, ये सैम्पल स्पेस है मेरा। इसके अंदर मैं पूछूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने हैं, 6 है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मान लीजिए एक डाई थी, मैं बोलूँ 2 डाई मैंने टॉस की, 2 डाई मैंने उछाड़ी, तो क्या क्या आ सकता है सैम्पल स्पेस में, हाँ जी, 2 डाई को उछाड़ने पर क्या क्या आ सकता है, पहली डाई के ऊपर 1 आ जाए और दूसरी डाई के ऊपर 1 आ जाए, ये आ सकता है, पहली डाई के ऊपर 1 आ जाए, दूसरी डाई के ऊपर 2 आ जाए, ये आ सकता है। ऐसे करते करते, ऐसे चलते चलते, पहली डाई के ऊपर 1 आ जाए, दूसरी डाई के ऊपर 6 आ जाए, ऐसे आ सकता है, या ऐसा भी तो हो सकता है, पहली डाई के ऊपर 2 आ जाए, दूसरी डाई के ऊपर 1 आ जाए, ठीक है, या दोनों के ऊपर 2 आ जाए, ऐसे करते करते 2, 6 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे चलते चलते इसमें कितने बन सकते हैं, पहली डाई के ऊपर 6 आ जाए, दूसरी डाई के ऊपर 1 आ जाए, पहली डाई के ऊपर 6 आ जाए, दूसरी डाई के ऊपर 2 आ जाए, या पहली डाई के ऊपर 6, दूसरी डाई के ऊपर 6। तो ऐसे करेंगे आप, 6 तो ऐसे बने, 6 क्योंकि 3, 1, 3, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, ऐसे करते करते टोटल कितने एलिमेंट बनेंगे इसके अंदर, 36 बनेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लिख के देख लीजिएगा, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 36 बनेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ मैंने 4 डाई टॉस की, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट सैम्पल स्पेस बनेंगे। जैसे कॉइन के केस में फार्मूला क्या था, 2^n, क्यों था, क्योंकि कॉइन की कितनी साइडें थी, 2 साइडें थी, ठीक है। अब यहाँ बात है डाई की, डाई की कितनी साइडें होती हैं, 6 साइडें होती हैं, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 6^n, और n की जगह पे क्या है, कितनी डाइयाँ टॉस की हैं मैंने, यहाँ पे एक डाई टॉस की थी, तो n की जगह वैल्यू 1, 6^1, 6, 6 एलिमेंट है, यहाँ पे कितनी डाई थी, 2, 6^2, तो कितना आ जाएगा, 36, आप काउंट करके देख लीजिए, 36 आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 3 डाई टॉस किए हैं, तो n की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो इसका क्या बनेगा, 216, ठीक है। आप इस तरह से सैम्पल स्पेस को लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इवेंट क्या होते हैं और इवेंट के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। आइए अब इवेंट देखते हैं, इवेंट क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है कोई ए, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ठीक है दोस्तों, और दूसरा सेट है बी, वो है मेरे पास 1, 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें बड़ा सेट कौन सा है, तो बड़ा सेट तो ये है, इसमें 4 एलिमेंट है, और छोटा सेट कौन सा है, ये है, ठीक है दोस्तों। अब बी में एलिमेंट क्या है, 1, 2, और ए में क्या है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। बी के एलिमेंट और ए के एलिमेंट क्या दोनों सेम है, और ए बड़ा सेट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो बी सेट है, बी सेट है वो ए में से निकला हुआ है, ठीक है। यानी कि बी सेट है जो ए का क्या कहलाएगा, सब सेट कहलाएगा, छोटा रूप कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह इवेंट, जैसे ये बी सेट था, ए का छोटा रूप था, इसी तरह इवेंट भी सैम्पल स्पेस का छोटा रूप होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे पूछूं मैंने कॉइन, मैंने 2 कॉइन टॉस किए, तो 2 कॉइन टॉस के सैम्पल स्पेस क्या है, मैंने आपको अभी अभी बताया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये सैम्पल स्पेस आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इवेंट क्या होता है, जो चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी होती है क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, मैंने 2 कॉइन टॉस किए, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, जो जिसकी मुझे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ के बाद जो स्टेटमेंट आई है ना, ठीक है दोस्तों, वो मेरा इवेंट होता है। जैसे अब ये मेरा सैम्पल स्पेस है 2
कॉइन मैंने टॉस की है, ठीक है, और मैं इवेंट बोल दूँ इवेंट ए, इवेंट ए गेटिंग टू हेड, ठीक है, तो इवेंट ए जैसे ये सेट है तो ये भी एक सेट है, सेट को कैपिटल वर्ड से डिनोट किया जाता है तो, और इस ब्रैकेट में लिखा जाते हैं उसके एलिमेंट, ठीक है। तो इवेंट ए क्या, मैंने गेटिंग टू हेड, गेटिंग टू हेड, दो हेड आने चाहिए। अगर सैम्पल स्पेस में मैं देखूँ तो दो हेड कहाँ पे हैं, सिर्फ यहीं है दो हेड, ठीक है दोस्तों, दो हेड आने चाहिए। वो मैं कहाँ देखूँगा, वो मैं सैम्पल स्पेस में से कलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, उसका उसी का छोटा रूप होता है, यानी कि जो इवेंट में जो एलिमेंट होते हैं वो सैम्पल स्पेस में से ही लिए जाते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला गेटिंग टू हेड, तो वो टू हेड कहाँ से लिए जाएंगे, वो सैम्पल स्पेस में से देखे जाएंगे, टू हेड कहाँ पे, यहाँ पे हैं, ठीक है। एक और मैं इवेंट लेता हूँ, मान लो मैं बी इवेंट लेता हूँ गेटिंग टू टेल, तो टू टेल कहाँ, यहाँ से इस सैम्पल स्पेस से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ मैंने एक डाइटोस की, तो डाइटोस की सैम्पल स्पेस क्या बनेगा मेरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सैम्पल स्पेस बनेगा, ठीक है। और मैं इवेंट बोल दूँ इवेंट ए गेटिंग इवन नंबर, अब इवन नंबर की बात आती है, इवन नंबर तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी इवन नंबर होते हैं, पर मुझे किस में से देखने हैं इवन नंबर, मुझे इस सैम्पल स्पेस में से लेने हैं इवन नंबर, क्योंकि इसी का छोटा रूप होता है इवेंट, यहाँ से इवन नंबर कलेक्ट करना है मुझे, वो 2, 4, 6, यहाँ तो इवन नंबर 3 ही है, नहीं तो इवन नंबर तो 8, 10, 12 ये भी होंगे, पर वो इसी में से चूज़ करने हैं। सेकंड बी इवेंट लिखो जिसमें ओड नंबर हो, ये ब्रैकेट आप देख लेना, 1, 3, 5, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इवेंट को लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इवेंट के कुछ टाइप देखते हैं, आइए अब कुछ टाइप ऑफ इवेंट देखते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है नल इवेंट, नल इवेंट क्या होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस ले लेता हूँ, सैंपल स्पेस क्या लेता हूँ, एक डाइटोस करी है, एक डाइटोस की है तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, 3, ठीक है दोस्तों, यही आ सकता है सैंपल स्पेस डाइटोस की, तो 6 नंबर ही आ सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इवेंट बोल रहा हूँ, मैं इवेंट बोल रहा हूँ इवेंट ए गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, इवेंट ए क्या मेरा गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, हाँ जी इवेंट ए या गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6 लिखें। ए इवेंट को तो कैपिटल अक्षर से डोंट किया था क्योंकि सेट होता है ये, हाँ जी जो नंबर है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, और हमेशा किस में से देखते हैं वो, वैसे 6 से नंबर तो बड़ा, 7, 8, 9 सभी नंबर बड़े हैं, ठीक है दोस्तों, कुछ भी लिख सकता हूँ इसके अंदर, पर वो एलिमेंट हमेशा कहाँ से आएंगे, वो एलिमेंट हमेशा कहाँ से आएंगे, सैंपल स्पेस से आएंगे। अब सैंपल स्पेस में 6 से बड़ा नंबर है कोई, नहीं है, तो इसमें कोई एलिमेंट आ जाएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नल इवेंट है, नल इवेंट, यह इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट। आप खुद ही सोचिए, आप डाइटोस करें, 6 से बड़ा नंबर कभी आ जाएगा, नहीं आएगा, यानी कि एक है इम्पॉसिबल इवेंट है, और इसको 5 से लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये होता है इम्पॉसिबल इवेंट या नल इवेंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट क्या होते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक डाइटोस की है, ठीक है दोस्तों, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और इवेंट ए ले लेता हूँ, लेट ए बी इवेंट गेटिंग नंबर लेस देन 7, ठीक है दोस्तों जी। तो इवेंट ए क्या मेरा जो नंबर है जो लेस देन 7 होना चाहिए, तो इवेंट ए में किस टाइप के नंबर आएंगे, हाँ जी 7 से छोटे होने चाहिए, सारे नंबर 7 से छोटे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के इवेंट को शोर इवेंट बोलते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं जब इवेंट है वो सैंपल स्पेस ही बन जाए, यहाँ पे इवेंट क्या था, नंबर है हमेशा 7 से छोटा होना चाहिए, वो 7 से छोटा तो सारे नंबर सैंपल स्पेस के नहीं आ गए, सारे नंबर सैंपल स्पेस के उठ के आ गए। तो इस तरह के इवेंट को क्या बोलते हैं, शोर इवेंट, जिसमें जो इवेंट है उसमें सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस के आ जाए, टोटली एलिमेंट क्या आ जाए सैंपल स्पेस के, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक। आइए नेक्स्ट टाइप है जैसे सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट क्या होते हैं, मैंने सैंपल स्पेस ऑलरेडी लिख दिया एक डाइटोस की, तो सैंपल स्पेस ये आ सकता है, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं आपसे बोलूँ इवेंट ए है गेटिंग ओड नंबर, ओड नंबर आने चाहिए, इवेंट ए है ओड नंबर, इसमें किस किस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे, 1, 3, 5, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल सिंपल है, सिंगल सिंगल एलिमेंट है, तो ये क्या सिंपल, इसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। अब कंपाउंड इवेंट देखते हैं, जब कंपाउंड इवेंट लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा सिंपल इवेंट क्या होते हैं। कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं, जब मैंने दो डाइटोस की तो ऐसा हो सकता है पहली पे 1 आ जाए, दूसरी 1, 1, 2, ऐसे लिखते लिखते 36 आएंगे, मैंने आपको बताया था 36 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब मैं बोलूँ मेरा इवेंट ए है, ए इवेंट है गेटिंग डबलेट,
अब डबलेट क्या होता है, डबलेट का मतलब होता है दोनों डाई के ऊपर सेम नंबर आए, दोनों डाई के ऊपर क्या है सेम नंबर आए। तो ऐसे कितने एलिमेंट आएंगे, 1 1 2 2 यही आएंगे दोनों डाई के ऊपर सेम नंबर, 4 4 5 5 और 6 6। ठीक है दोस्तों, दोनों डाई के ऊपर सेम नंबर आए तो इवेंट ए वो है। ठीक है, तो ऐसे कितने कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह के इवेंट जहाँ पे एलिमेंट इस तरह से हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट, और जहाँ पे इवेंट जहाँ पे एलिमेंट सिंगल हो वहाँ उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट, और इस तरह के इवेंट कंपाउंड इवेंट। ठीक है दोस्तों, आइए और देखते हैं। उसके बाद आ जाता है इक्विलैटरल इवेंट, इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपने कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस हेड और टेल ही आएगा। ठीक है, अब आपने कॉइन टॉस किया, आप ये नहीं बोल सकते भी हेड आने के ज़्यादा चांस हैं क्या टेल आने के ज़्यादा चांस हैं, दोनों के इक्वल चांस हैं, दोनों के हेड भी आ सकते टेल भी आ सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते हेड आने के ज़्यादा चांस हैं, नहीं, हेड और टेल दोनों में से कोई भी आ सकता, दोनों के इक्वल चांस हैं, इक्वली लाइकली इवेंट है। ठीक है, ऐसे ही आपने डाई टॉस की, डाई में 1 से लेकर 6 तक, आपको आपको नहीं पता, हर एक के इक्वल चांस हैं, हर एक के इक्वली चांस है, कोई भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। उसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए मैंने कॉइन टॉस किया, उसमें या तो हेड आ सकता है टेल आ सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक इवेंट ले रहा हूँ, इवेंट ए, इवेंट ए क्या है गेटिंग हेड, हेड तो इवेंट ए में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, एक और इवेंट मैं ले रहा हूँ बी गेटिंग टेल, उसमें क्या आएगा टेल आएगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दो इवेंट है मेरे ए और बी इवेंट है। ठीक है, मैं इनका इंटरसेक्शन निकालता हूं, और मैंने आपको इंटरसेक्शन बताया था सेट वाले चैप्टर में, इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो, यहां पे दोनों में कॉमन एलिमेंट है कोई, दोनों पे कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है फाई, जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, दो इवेंट है मान लीजिए उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो वे दो इवेंट क्या होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए जैसे एक मैंने डाई टॉस की, उसके ऊपर ये आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इवेंट ए ले लेता हूँ मैं गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर क्या है 2 4 6। ठीक है, इवेंट बी ले लेता हूँ गेटिंग ओड नंबर, ओड नंबर क्या है 1 3 5। एक इवेंट और ले लेता हूँ, इवेंट सी ले लेता हूँ नंबर ग्रेटर देन 3, तीन से बड़े नंबर, तीन से बड़े नंबर इसी में से देखने हैं मुझे, वो क्या है 4 5 6। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे पूछूं, हाँ जी ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ए और बी में कॉमन है कुछ, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या है ए और बी क्या मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ए और बी आपस में क्या दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आए हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ जी मैं बी और सी देखूं, बी इंटरसेक्शन सी निकाल के देखो, आप बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में 5 कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पे बी और सी में कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ए और बी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि इनके बीच में कॉमन एलिमेंट नहीं है, बी और सी के बीच में कॉमन एलिमेंट है इसलिए क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और सी निकाल के देख लो, ए और सी क्या आया 6 आया और 4 भी है, दोनों में दो एलिमेंट कॉमन है इसलिए ए और सी भी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बी और सी क्या है सॉरी ए और बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्योंकि इसके बीच में कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो आइए लास्ट टाइप देखते हैं, लास्ट टाइप क्या है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक सैंपल स्पेस है। ठीक है दोस्तों, और मैंने दो इवेंट ऑलरेडी लिख रखे हैं, ये क्या है आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, ये क्या है इवेंट ए है गेटिंग ओड नंबर, गेटिंग ओड नंबर, इवेंट बी है गेटिंग इवन नंबर क्योंकि इसमें इवन नंबर है और सैंपल स्पेस में लिया है। ठीक है दोस्तों, अब अगर इन दोनों सेट की यूनियन लेने पर, यूनियन मैंने आपको बताया था, यूनियन के जो एलिमेंट इसमें इसमें है सब लिख दो सेट की फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, अगर इनकी यूनियन लेने पर मेरे पास सैंपल स्पेस आ जाए तो वो क्या होते हैं इवेंट क्या होते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होते हैं। जैसे हाँ जी इनकी यूनियन लेके देखें, इनकी यूनियन क्या आ जाएगी, इसमें जो एलिमेंट है वो लिख दो और जो इसमें एलिमेंट है वो लिख दो, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, लिख दिए, अगर आप यहाँ देखें ये भी ये इसमें एलिमेंट और इसमें एलिमेंट सेम है, यानी कि इसको भी मैं सैंपल स्पेस लिख सकता हूँ, यानी कि ए यूनियन बी लेने पर मेरे पास क्या आ गया सैंपल स्पेस आ गया, इसका मतलब ए और बी इवेंट क्या है मेरे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली का मतलब होता है आपस में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। ठीक है दोस्तों, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, मान लीजिए सेट बी मेरे पास इस तरह का होता, 1 2 सिर्फ यही एलिमेंट होते। ठीक है, तो हाँ जी ए यूनियन बी में क्या आता, तब ए यूनियन बी में 1 3 5 1 के तो सभी आते,
हाँ जी एक आता, क्योंकि एक ऑलरेडी आ चुका है, रेपिटेशन नहीं होती, मैंने आपको बताया था। दो, ए यूनियन बी लेने पर ऐसा आ रहा है मेरे पास, सैम्पल स्पेस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आएगा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सैम्पल स्पेस क्या होते हैं, इवेंट और उसके टाइप क्या होते हैं। थैंक यू दोस्तों।